अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये तो पिच्चू का ढंग है। अरे पाउंड फिट करी, ये तो फिट करी है ये। हाँ पिंड में लोगों को बोलते हुए सुना था कि ये फिटकरी का पाउडर बिच्छू का जहर कम करने के काम आता है, और इसका मतलब कला ने जानबूझकर दर्जी को बिच्छू का डंक कटवाया, और फिर जैसे ही तेजसर जी ने हाँ कह दी वैसे ये फिटकरी का पाउडर डालकर जहर का असर कम कर दिया। इतना बड़ा धोखा पूरे परिवार को। अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है तेजसर जी, कौन सही है और कौन गलत ये मैं अच्छी तरीके से पहचान चुकी हूँ, और अब मैं वादा करती हूँ आपसे कि हमारे रिश्ते पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। कल ये शादी होने से पहले कला की सच्चाई सबके सामने ला कर रहूंगी। ये आंटी जी भी ना एकदम से बम फोड़ देती है, ये नहीं कि कम से कम 2-3 दिन तो दें, लेकिन नहीं कल ही करनी है इनको शादी। ना फेशियल करवाया ना आईब्रो करवाइए। पपीता खा लेती हूँ, थोड़ा ग्लो आ जाएगा चेहरे पे। अब मैं मेरी शादी की फोटो में तो मुरझाई हुई नहीं दिखना चाहती। कोख में बच्चा होते हुए भी ये पपीता कैसे खा सकती है? इसका मतलब कला माँ बनने का ढोंग कर रही है। यही तो वो सबूत है जिससे मैं कला की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ला सकती हूँ। क्या चल रहा है इस घर में? चल हाँ चल, पागल हो गई है तू? तुझे पता नहीं है कि प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाया जाता? जब औरत पेट से होती है पपीता खाने से बच्चा गिर सकता है। एक सेकंड, मुझे हमेशा से लगा कि तू इससे ज्यादा समझता। समझाने की जगह तू वहाँ खड़ी होकर वीडियो बना रही है। वो माम आंटी जी क्या ये सारी बातें तो बुजुर्गों की कही सुनी बातें है। मैंने ऑनलाइन चेक किया था, प्रेगनेंसी में पपीता खाने से कुछ भी नहीं होता है। कला अगर मैं तेरी जगह पेट से होती तो मैं बड़े बुजुर्गों की बातें कभी नजरअंदाज नहीं करती। तो चुप रहे और सुन ले। यही तो डिफरेंस है तुझ में और मुझ में। पढ़ी लिखी हूँ मैं और ये सारे सुपरस्टिशन में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। और एक मिनट, तू मेरा वीडियो बना रही थी क्यों? ये तो मैं पूछने को ही गई, तू इसका वीडियो क्यों बना रही थी बेटा? माँ को बता दूँ क्या? नहीं, पहले सबूत इकट्ठे करती। क्या घर में इतने दिनों बाद खुशियाँ आ रही है ना कला, तो मैंने सोचा माँ की इन यादों को समेट कर रख लूँ अपने पास। ऐसे तुझे नहीं लग रहा कि ये कुछ बदली सी है? पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि इससे हम पर शक होने लगा है। आंटी जी आज तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई और अब भी कुछ नहीं कर पाएगी। मैं बस एक बात जानती हूँ कि मेरी तेज से शादी हो जानी चाहिए। तू बेकार में इतनी फिक्र मत कर, तेज और दालचीनी का रिश्ता आज टूट कर रहेगा। भले ही इसके लिए मुझे दालचीनी को पूरी तरह से तोड़ना क्यों ना पड़े। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा राजधानी, तूने दालचीनी को अपनी बेटी बनाया है ना, और आज तू खुद ही अपनी बेटी का घर तोड़ने के लिए राजी कैसे हो गई? तू तेज और दालचीनी का तलाक कराने के लिए बात सोच भी कैसे सकती है? चलो इतना तो है कि इस घर में रहकर कभी एंटरटेनमेंट की कमी नहीं होगी, क्योंकि मेरी होने वाली सास वो चीज है जो 100 कमीनों के मरने पर पैदा हुई होगी। तलाक? मुझे माफ कर दे बेटा, मैं जानती हूँ तुझे लग रहा होगा कि माँ का फैसला बहुत कठोर है, लेकिन मेरा भगवान जानता है कि आज मेरा दिल कितना टूटा है बेटा। मैंने अपने दिल पर पत्थर रख कर ये फैसला लिया है।
मेरे सामने इस परिवार में एक बच्चा है जो इस दुनिया में आया भी नहीं है, और आने से पहले ही उस पर नाजायज होने की तोहमत लग रही है। बेटा, मेरे होते हुए मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, और मैं जानती हूँ कि आज मैंने अपनी दालचीनी का दिल दुखाकर कितना बड़ा पाप किया है। इस पाप की सजा मैं अपने आप को दूंगी। जिस जबान से मैंने आज अपने तेज और दालचीनी की तलाक की बात की है, मैं उसी जबान को अपने हाथों से काट दूंगी। जिंदगी भर की खामोशी ये मेरी सजा है। क्या कर रही है आप? छोड़िए इस चाकू को, छोड़िए इसे। मुझे बहुत बड़ा पाप हो गया तेज, छोड़िए इसे। आप मेरे सामने ये सब करेंगे और आपको लगता है मैं ये सब होने दूंगा? क्या हो, क्या गया है आपको? आज तो तूने मुझे बचा लिया, लेकिन माँ के टूटे हुए दिल को कैसे समेटेगा तू? और मैं एक टूटे हुए दिल को लेकर कैसे जीऊंगी बेटा? कल अगर बेबसी महसूस हुई और मैंने अपने आप को कुछ कर लिया ना, तो मुझे प्लीज माफ कर देना बेटा। जिस तरह मैं अपनी बेटी के बिना जी रही, ऐसे तू भी माँ के बिना जी लेगा? प्लीज प्लीज मॉम, ये सब मत बोलिए ना। आप अच्छे से जानती कि अगर आपको कुछ हो गया ना, तो मैं भी मर जाऊंगा। मैं इस दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर आपको ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। प्लीज आप बोलिए। आप बोलिए क्या चाहती है? आप जो बोलेंगी मैं वो करने को तैयार हूँ। आप बस बोलिए क्या चाहती है, मैं बिना सवाल किए आपकी बात मान लूंगा। मामा, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है बेटा, लेकिन मुझे ये करना पड़ रहा है, उसके लिए मुझे माफ। I'm so sorry बेटा, really sorry। तुझे इस बच्चे के लिए अलचिनी को तलाक देना होगा। ठीक है मॉम, मैं दालचीनी को तलाक देने के लिए तैयार। वैसे भी दालचीनी तो इस रिश्ते को पहले ही त्याग चुकी है। मैं वकील साहब को कागज तैयार करने के लिए फोन कर देना। अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।